नमस्कार, मैं और रोहित कुमार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। खबर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास से कन्या मार्ग की, जहां पर एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगने के बाद तमाम जो नेता हैं एनडीए के वो पहुंच रहे हैं राज्यपाल भवन। तस्वीरें आप देख रहे हैं राजभवन जाते हुए, जब नीतीश कुमार जा रहे हैं और साथ में डिप्टी सीएम के लिए जो जिस पर मुहर लगी है सुशील मोदी वो, और साथ ही पर्यवेक्षक के तौर पर आए राजनाथ सिंह, ये तमाम लोग मौजूद हैं। वीआईपी पार्टी, हम पार्टी, इन तमाम पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं वो तमाम लोग जो हैं इस वक्त पहुंचे हैं राजभवन, जहां पर नीतीश कुमार जो है वो दावा पेश कर रहे हैं सरकार बनाने को लेकर। क्या आपको बता दें कि न्यूज़ फाउंडेशन ने पहले ही बताया था कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और डिप्टी सीएम के तौर पर सुशील मोदी ही होंगे। इस बीच में अब जो है सोमवार के दिन 11:30 बजे दिन में एक सामान्य से कार्यक्रम के अंदर में जो है नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और साथ में कैबिनेट के कई मंत्री जो हैं वो भी शपथ लेंगे। आपको बता दें कि तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास एक अन्य मार्ग की, जहां से निकल करके वो जाते हुए नजर आ रहे हैं राजभवन, जहां पर वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और उसके बाद जो खबर है कि वो राज्यपाल जो है उन्हें अगले दिन यानी कि कल 11:30 बजे दिन में जो है शपथ दिलाएगी। तस्वीरें हैं राजभवन जाते हुए नीतीश कुमार की। इसके पहले अगर घटनाक्रम में बात करें तो आज सुबह में पहले तमाम अलग अलग पार्टियों की तरफ से बैठक हुई। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जदयू विधानमंडल दल की बैठक हुई, जबकि बीजेपी में जो है बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई। हालांकि बीजेपी की बैठक में वहां पर कोई नाम तय नहीं हुआ। राजनाथ सिंह सबसे पहले राजकीय अतिथिशाला पहुंचे, उसके बाद वो सीधे नीतीश कुमार के आवास पहुंचे और वहां पर मीटिंग हुई, और मीटिंग में नीतीश कुमार को एनडीए का नेता चुना गया, जिसके बाद सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश करने के लिए तमाम एनडीए के जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त फागू चौहान, जो कि बिहार के महामहिम राज्यपाल हैं, उनके आधिकारिक निवास राजभवन पहुंचा है और वहां पर ही दावा पेश किया जा रहा है सरकार बनाने को लेकर के। यानी कि अब से सिर्फ 15 से 16 घंटे का वक्त है जब एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इसके पहले कुल अगर बात करें 4 विधानसभा चुनाव की, तो 4 बार जो है नीतीश कुमार जो है उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया एनडीए या फिर महागठबंधन के तरफ से, और इस 4 बार जो है उसी दल या गठबंधन की जीत हुई है। छोड़ जाते हैं वीडियो के साथ। सब है मान जी वो